Good morning, students. We have already learnt about how to do addition and subtraction of fractions. Now, we are going to start chapter 8 more on fractions, in which we will learn how to multiply and divide fractions. So, first, we are going to do multiplication of fractions. Here, you have to remember these two things, in which if the questions are related, होल नंबर इंटू न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू होल नंबर अगर क्वेश्चन ऐसे होगा कि जिसमें होल नंबर होगा और उसके बाद में एक फ्रैक्शन है जिसे मल्टीप्लाई करना है या पहले कोई एक फ्रैक्शन है और बाद में कोई होल नंबर है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है सो तो आपको ये फॉर्मला अप्लाई करना है न्यूमिनेटर इंटू होल नंबर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर सो so डिनोमिनेटर को हम एज इट इज़ रखेंगे और मल्टीप्लाई किसको करेंगे होल नंबर एंड न्यूमिनेटर जो ऊपर नंबर्स होंगे उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन द नेक्स्ट वन वेन टू फ्रैक्शन आर गिवन और उसे हमें मल्टीप्लाई करना है सो द प्रोसीजर विल बी दिस वन आपको दोनों न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई करने हैं एंड नीचे दोनों डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई करने हैं यहाँ आपको लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है ओनली मल्टीप्लीकेशन यू हैव टू फॉलो हाउ लेट्स सी इन एक्सरसाइज एट ए क्वेश्चन टू ए पार्ट इज थ्री बाई टू अपॉन थर्टीन इसे हमें मल्टीप्लाई करना है बाई मीन्स मल्टीप्लीकेशन सो फर्स्ट वी विल राइट थ्री देन बाई की जगह आप मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे थर्टीन दिस यू हैव टू राइट एंड नेक्स्ट विल बी वॉट इट इज दिस इज अ होल नंबर एंड दिस इज अ फ्रैक्शन सो so, इसके लिए हमें क्या करना है न्यूमिनेटर और होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है एंड देन वी हैव टू राइट डिनोमिनेटर सो हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई थ्री बाई टू एंड इन द डिनोमिनेटर वी विल राइट थर्टीन ओनली सो दिस विल बिकम थ्री इन टू सिक्स अपॉन थर्टीन नाउ अगर नंबर्स कट हो रहे हैं रिड्यूस हो रहे हैं तो हमें रिड्यूस करना है अदरवाइज दिस विल बी आंसर बिकॉज सिक्स एंड थर्टीन रिड्यूस नहीं हो सकते हैं.

टेबल ऑफ फाइव ये दोनों की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं फाइव की टेबल में ये टू टाइम्स आता है एंड फाइव की टेबल में थ्री टाइम्स आता है so terms, four, so four, eight, और किसी एक टेबल में नहीं आते हैं सो एट अपॉन थ्री विल बी आंसर आप इसको टेन इंटू फोर फोर्टी अपॉन फिफ्टीन करके भी डिवाइड कर सकते हैं और अगर आपको डायरेक्टली डिवाइड करना है सो तो आप डायरेक्टली डिवाइड करके भी मल्टीप्लाई करके आंसर फिल कर सकते हैं इन क्वेश्चन नंबर थ्री ए पार्ट टू अपॉन थर्टीन बाई सिक्स इज गिवन सो यहाँ पे फ्रैक्शन पहले है एंड होल नंबर बाद में है सो फर्स्ट वी विल राइट टू अपॉन थर्टीन इस बाई को हमें मल्टीप्लाई के साइन में लिखना है एंड देन सिक्स, सो ही अगेन हम न्यूमिनेटर और होल नंबर को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सो टू इंटू सिक्स डिवाइडेड बाय थर्टीन सो टू इंटू सिक्स इज ट्वेल्व एंड डिवाइडेड बाय थर्टीन नॉ बोथ नंबर आर नॉट डिविजिबल, किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं होते सो दिस विल बी आंसर इन दिस वन सेवन बाय फोर्टी बाय एट सो सेवन अपॉन फोर्टी मल्टीप्लाई बाय एट वी हैव टू राइट ना ही सेवन और एट को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन डिवाइडेड बाय फोर्टी सो सेवन इन टू एट इज सो इट इज फिफ्टी सिक्स सो वी हैव टू राइट फिफ्टी सिक्स देन डिवाइडेड बाय फोर्टी नाउ सी दीज नंबर्स आर डिविजल बाय टू दोनों ही टू से डिवाइड हो रहे हैं सो so, टू से फिफ्टी सिक्स जाता है ट्वेंटी एट टाइम्स एंड फोर्टी ट्वेंटी टाइम्स नाउ अगेन ट्वेंटी एट एंड ट्वेंटी इज़ डिविजिबल बाय टू सो टू से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा फोर्टीन टाइम्स एंड ट्वेंटी जाएगा टेन टाइम्स अगेन फोर्टीन एंड टेन इज़ डिविजिबल बाय टू सो फोटीन टू की टेबल में सेवन टाइम्स आता है और टेन फाइव टाइम्स आता है सो द लास्ट आंसर इज सेवन अपॉन फाइव वॉट यू कैन डू इज आप यहाँ पर भी एट को फोर्टी से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं एट की टेबल में वन टाइम फोर्टी कितने टाइम्स आता है फाइव टाइम्स सो सेवन इंटू वन विल बी सेवन एंड नीचे क्या आ जाएगा फाइव सो so, आप इसको कोई भी मेथड से डिवाइड कर सकते हैं इन क्वेश्चन नंबर फोर सी पार्ट ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई बाय नाइन अपॉन एटी फोर सो यहाँ पे हमें नाइन और ट्वेंटी फोर को मल्टीप्लाई करना है बाय किस डिवाइड करना है एटी फोर सो यहाँ हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे ट्वेंटी फोर और एट्टी फोर दोनों ही टू की टेबल से डिविजिबल है सो इन द टेबल ऑफ टू ट्वेंटी फोर कम ट्वेल्व टाइम्स एंड एटी फोर कितने टाइम्स जाएगा एटी फोर जाता है फोर्टी टू टाइम्स आप साइड में डिवाइड भी करके चेक कर सकते हैं अगेन विद द टेबल ऑफ टू ट्वेल्व कम्स सिक्स टाइम्स एंड फोर्टी टू कम्स ट्वेंटी वन टाइम नाउ सी सिक्स और ट्वेंटी वन दोनों थ्री की टेबल में आते हैं सो so, हम थ्री की टेबल से कट करेंगे थ्री की टेबल में सिक्स टू टाइम्स आता है एंड थ्री की टेबल में ट्वेंटी वन सेवन टाइम्स आता है नाउ द लास्ट डिजिट्स आर यहाँ पे रहेगा टू यहाँ ऑलरेडी क्या है मल्टीप्लाई में नाइन एंड देन अपॉन में क्या आ गया सेवन नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बिकॉज अब जो है नंबर डिवाइड नहीं हो रहे किसी से भी सो टू इंटू नाइन इज एटीन एंड अपॉन में क्या है सेवन सो दिस इज आंसर इन दिस वन क्वेश्चन नंबर फाइव ए पार्ट एट अपॉन फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाई टेन सो एट और टेन को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड इट बाय फिफ्टीन नाउ टेन और फिफ्टीन दोनों फाइव की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं टेन फाइव की टेबल में टू टाइम्स आता है एंड फिफ्टीन थ्री टाइम्स आता है नाउ कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है आपको न्यूमिरेटर और न्यूमिरेटर को डिवाइड नहीं करना है ओनली अपर पार्ट एंड बॉटम पार्ट को आप डिवाइड कर सकते हैं नाव एट इंटू टू अपॉन कैलिकम थ्री सो एट इंटू टू सिक्सटीन डिवाइडेड बाई थ्री ये डिवाइड नहीं होगा सो दिस विल बी आंसर इन क्वेश्चन नंबर सिक्स वी हैव टू राइट आंसर्स डायरेक्टली बिकॉज इसमें हमें वन से मल्टीप्लाई करना है एंड जीरो से मल्टीप्लाई करना है सो so जब हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट द सेम आंसर ओनली सेम फ्रैक्शन आएगा बिकॉज वन से हम जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं सेम आता है सो सेवन अपॉइंट नाइनटीन विल बी द आंसर और जब भी हम किसी डिजिट को या नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं सो so हमारा आंसर क्या आता है जीरो सो so ये आपको डायरेक्टली करना है

multiply karna so the answer will be 1 into 3 is 3 and 4 into 5 is 20 3 upon 20 is the answer similarly in c part so 3 upon 7 multiply by 28 upon 45 so here we have to multiply 3 and 28 and in the bottom part 7 and 45 now see हेयर वी कैन डिवाइड द नंबर्स सेवन की टेबल में ट्वेंटी एट आता है सो सेवन की टेबल में वन सेवन वन टाइम्स आता है और ट्वेंटी एट कितने टाइम्स आता है फोर टाइम्स एंड थ्री की टेबल में भी फोर्टी फाइव आता है सो थ्री की टेबल में थ्री तो वन टाइम आता है बट फोर्टी फाइव जो है वो आएगा फिफ्टीन टाइम्स सो नाओ न्यूमिनेटर्स में क्या है वन एंड फोर सो फोर इंटू वन इज फोर एंड डिनोमिनेटर में क्या है वन एंड फिफ्टीन सो फिफ्टीन इंटू वन इज

ये अब क्या क्वेश्चन हो गया जिसमें न्यूमिनेटर और होल नंबर को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है एंड डिनोमिनेटर को वन टाइम लिखना है हीयर लाइक दिस एंड हीयर थ्री से सिक्स डिवाइड हो रहा है सो so, थ्री से सिक्स डिवाइड हो रहा है टू टाइम्स सो थ्री की टेबल में थ्री वन टाइम आता है और सिक्स टू टाइम्स आता है सो नाउ द आंसर इज सेवन इंटू टू बिकॉज अपॉन में क्या है वन सो so, हम अपॉन का वन नहीं लिखेंगे सो सेवन इंटू टू इज फोर्टीन एंड फोर्टीन इज द आंसर जो कट हो रहा है उसे हमें कट करना है और अगर अपॉन में वन आता है सो तो अपॉन में हम वन को नहीं लिखेंगे इन क्वेश्चन नंबर थ्री बी पार्ट हियर टू फ्रैक्शंस आर गिवन नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री अपॉन फोर सो अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर्स नाइन इंटू थ्री एंड हियर ट्वेंटी फाइव इंटू फोर यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा है किसी भी टेबल में अपर एंड बॉटम पार्ट कट नहीं हो रहे सो

एंड सिक्स की टेबल में एटीन कितने टाइम्स आता है सो सिक्स की टेबल में एटीन थ्री टाइम्स आता है सी इन द न्यूमिनेटर देर इज़ वन एंड थ्री सो वन इंटू थ्री करेंगे हम तो क्या आएगा थ्री ओनली एंड इन द डिनिनेटर वन इंटू वन सो अपॉन में आप वन लिखें चाहे नहीं लिखें योर आंसर विल बी थ्री ओनली इन दिस वन क्वेश्चन नंबर सिक्स ए पार्ट थ्री अपॉन थर्टीन इंटू टू वन बाय सिक्स सो अगेन थ्री अपॉन थर्टीन को तो आप एज इट इज़ लिखेंगे एंड मिक्स फ्रैक्शन को आपको चेंज करना है इन इम प्रॉपर फ्रैक्शन सो सिक्स इंटू टू इज ट्वेल्व प्लस वन इज थर्टीन सो थर्टीन अपॉन सिक्स विल बी फ्रैक्शन नाउ थ्री इंटू थर्टीन न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स में थर्टीन इंटू सिक्स सो अगेन थर्टीन से थर्टीन वन टाइम कैंसिल हो जाएगा एंड थ्री की टेबल में सिक्स टू टाइम कैंसिल हो जाएगा नाउ हियर सी न्यूमिनेटर में क्या है वन एंड वन सो वन इंटू वन इज वन एंड डिनोमिनेटर में क्या है वन एंड टू सो वन इंटू टू इज टू अब यहाँ अपर पार्ट में वन आ रहा है सो अपर पार्ट का हमें न्यूमिनेटर में जो वन है वो लिखना है बॉटम पार्ट में यानी अपॉन में जब वन आता है वो हमें नहीं लिखना होता है सो वन अपॉन टू विल बी द आंसर इन क्वेश्चन नंबर एट टू मिक्स फैक्शन आर गिवन जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है सो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हमें किस में चेंज करना है इम फ्रैक्शन में एंड देन वी विल सॉल्व सो फोर वन बाई टू इंटू टू वन बाई थ्री इसका मिक्स फ्रैक्शन सेम प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या नंबर हो जाएगा फोर इंटू टू इज एट प्लस वन नाइन सो नाइन अपॉन टू एंड फॉर दिस वन थ्री इंटू टू इज सिक्स प्लस वन सेवन सो सेवन अपॉन थ्री नाउ नॉर्मली आपको मल्टीप्लाई करना है नाइन इंटू सेवन एंड देन टू इंटू थ्री सो थ्री से नाइन कैंसिल आउट हो रहा है थ्री की टेबल में नाइन थ्री टाइम्स आता है सो हीयर यू हैव टू मल्टीप्लाई थ्री इंटू सेवन सो थ्री इंटू सेवन अपॉन टू इंटू वन एंड दिस विल बी थ्री इंटू सेवन इज ट्वेंटी वन अपॉन टू अब यहाँ हमें ट्वेंटी वन अपॉन टू को मिक्स फैक्शन में चेंज करना है बिकॉज जो हमारा क्वेश्चन था वो किस में था मिक्स फैक्शन में अगर आप मिक्स फैक्शन में नहीं भी चेंज करते तो भी आपका आंसर करेक्ट है बट क्वेश्चन मिक्स फैक्शन में था इसलिए हम इसको मिक्स फैक्शन में चेंज करेंगे बाई डिवाइडिंग द नंबर्स सो so, टू को जब हम ट्वेंटी वन से डिवाइड देंगे दिस विल बी टू इंटू वन टू एंड देन वन टू से छोटा है सो so हम यहाँ क्या नोट करेंगे जीरो सो माइनस जीरो द रिमाइंडर विल बी वन सो द आंसर इज टेन वन अपॉन टू सो इसका जो मिक्स फ्रैक्शन है दिस विल बी टेन वन अपॉन टू दिस इज दंसर फॉर दिस वन एट फाइव बाई इलेवन इंटू टू वन बाय फाइव यहाँ भी हम क्या करेंगे इन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है सो इलेवन इंटू एट इज एटी एट प्लस फाइव इज नाइन्टी थ्री सो नाइन्टी थ्री अपॉन इलेवन इसका फ्रैक्शन हो जाएगा एंड फॉर दिस वन फाइव इंटू टू इज टेन प्लस वन इलेवन सो इलेवन अपॉन फाइव हियर नाइन्टी थ्री इंटू इलेवन वी हैव टू राइट एंड नीचे क्या हो जाएगा इलेवन इंटू फाइव सो इलेवन से इलेवन कट हो जाएगा वन टाइम नाउ नाइन्टी थ्री इंटू वन इज नाइन्टी थ्री ओनली एंड वन इंटू फाइव इज फाइव अगेन वी हैव टू कन्वर्ट इट इंटू मिक्स फ्रैक्शन बिकॉज दोनों क्वेश्चन जो दोनों फ्रैक्शन थे वो किस में थे मिक्स फ्रैक्शन में थे सो so, जब हम इसको डिवाइड करेंगे विथ नाइन्टी थ्री फाइव से तो क्या आंसर हो जाएगा फाइव इंटू वन फाइव माइनस सो दिस विल बी फोर्टी थ्री अब टाइम्स क्या हो जाएगा फोर्टी सो थ्री इज रिमाइंडर सो मिक्स फ्रैक्शन इज एटीन थ्री अपॉन फाइव दिस विल बी मिक्स फ्रैक्शन एटीन थ्री अपॉन इन क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज एट ए वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू काउंट वन हेयर सो कितने वन है यहाँ पे वन टू थ्री फोर एंड फाइव सो वी विल राइट फाइव ओवर हेयर

टेन इंटू टू ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन सो ट्वेंटी वन अपॉन टेन है जिसे हमें किस से मल्टीप्लाई करना है नाइन से सो नाइन इंटू ट्वेंटी हंड्रेड एंड एटी नाइन सो यू हैव टू राइट वन हंड्रेड एंड एटी नाइन हियर एंड अपॉन में क्या लिखना है टेन सो दिस विल बी एमवर्क यू हैव टू डू इन एक्सरसाइज एट ए क्वेश्चन नंबर टू बी पार्ट थ्री बी पार्ट फोर ए पार्ट फाइव बी पार्ट सिक्स बी एंड डी पार्ट एंड In exercise 8b, question number 1b part, 2b part, 3a part, 5b part, 8b and c part in your notebook. And question number 1 of exercise 8a you will do in your book only. Thank you.